दानिश, दानिश, आर यू देयर? यू लाइक द फ्लावर्स? आई डू, लेकिन आज ना ईद है ना न्यू ईयर्स, और तुम मुस्कुरा भी रहे हो। एक सेकंड, क्या सीन है? व्हाट्स द मिरेकल? मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। तुम्हारी जिंदगी में तो दो प्रॉब्लम्स थे, एक दानिया और एक सिनेमा, दोनों हल हो गए। सिनेमा का मसला हल हो गया। बच गया या बिक गया? बच गया। हाँ, और दूसरा मसला? दूसरा भी सॉल्व हो जाएगा, आई होप सो। परफेक्ट, दैट कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन। लेट्स टेक अ सेल्फी। चन्नो, सनम, दानिया भाई सब कहाँ हैं? देखो तो इसको कितनी चालाक है, मुझे देखते ही हाथ में काम पकड़ लिया। काम कर रही थी, फोन पे लगी हुई थी। तुम और तुम कहाँ थी? माँ जी वो मैं ना कपड़े देख रही होगी जी। उफ, तुम लोगों को एहसास है आज दानिया की शादी की तारीख रखने आ रहे हैं? वो लोग इतना काम पड़ा हुआ घर में और फैला हुआ सब कुछ, तो मैं अपने ही चोचलों से फुर्सत नहीं। कहाँ है वो सब? माँ जी आप टेंशन ना ले, सारी तैयारी हो गई है। दानिश और नेहा को भी बता दो। और दानिया है कहाँ? वो तो तुम्हारा तो फोन से ही जाननी छुट्टी। मैं सुन रही होती रात को तुम्हारे ठट्टे, मेरे कमरे तक आवाजें आ रही थी, हर वक्त इसमें घुसी होती। क्या प्रॉब्लम है? आइंदा ना देखो तुम्हें, संभाल लेना सब कुछ। तो हाल ही नहीं पता कुछ से कुछ किए जा रही है, होश ही नहीं है कि क्या करना क्या नहीं करना, घर में इतने काम है। तुझे बड़ा शौक है ना गॉसिप्स करने का। दांतों को क्या हो गया अचानक? जो भी हुआ ना, हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। काम आदमी रील्स देख के हंस भी नहीं सकता। चल काम कर। सॉरी मामा जी, जाने दे यार, हफ्ते नहीं बताते हुए जो निकले यार, तूने मामे का ही फोन काट दिया। चल चल, कितनी खलियां पड़ गई हैं। रोहान मेरी जान, थोड़ी ताकत तू भी लगा ले। मामा जी, मैं अपने हाथों से कुछ गरमा गर्म बना के लाऊं? नहीं बेटे नहीं, तू अपने हाथों या पैरों का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना कर भाई। पिछली बार मुझे हल्दी वाला दूध याद है। नहीं मामा जी, आप बताएं तो हुआ क्या है? क्या वाकई होटल वालों ने हालत की? रोहन बेटे मुझसे सब कुछ छीन लिया, घड़ी, जूते, पैसे। आए 10 किलोमीटर चल के आया हूँ। ऐसी आवारगी का यही नतीजा होना था। ओहो आपा, मरते हुए आदमी के साथ ऐसा सलूक? आज अगर मेरी माँ जिंदा होती ना तो आपकी जुर्रत का होती आप मुझसे यूं भाग के? ऊपर वाले, तूने मेरी माँ को क्यों उठा लिया? देखो जरा, इसे वाकई बुखार है या ड्रामेबाजी कर रहा है? काफी तेज बुखार है और डॉक्टर के पास भी नहीं जाना चाह रहे। क्यों? पापा आपने खुद ही तो कहा था कि कमरे से बाहर कदम ना रखना, तो बस मेरा जनाजा ही कमरे से बाहर निकलेगा। लेकिन आपा, बात नोट करने वाली ये है कि बचपन से लेके आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा। मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दे। तुम अगर मर भी जाओगे ना, तब भी तुम्हारी शादी सनम से नहीं करवाओगे। ना कीजिएगा ना, मेरा मोबाइल तो वापस कर दे प्लीज। पकड़ो अपना मोबाइल, आज जाऊंगी एहसान साहब के यहाँ रात को तारीख पक्की करने के लिए। जा देंगे ठीक है, तो मैं भी रेडी हो जाऊंगा। क्यों तुम नहीं जाओगे? तैयार हो जाऊंगा। चाय? तुझे बड़ी हंसी आ रही है? मैं बहुत टेंशन में हूँ इस वक्त। टेंशन में हो आप? वैसे आपस की बात है, इस वीडियो में इतना टेंशन में लग नहीं रहे हो आप। देखो हर वो चीज जो पे से शुरू होती है। हाय अलिया, ये तुझे कहाँ से मिली है? ये वीडियो तो इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया हर जगह वायरल हो गई है। और बहुत मुबारक हो आपको, लाख से ऊपर व्यूज भी आ गए आपके। सुखा
वैसे बहुत बुरा किया आपने सनम जी मामा जी के साथ, और एक बार नहीं बार बार। बार बार बुरा कैसे किया, एक ही दफा तो मिली उसको मैं कॉफी के लिए। हाँ एक दफा कॉफी पर गई, फिर उसके बाद आपने उनको गुंडों से पिटवा दिया, फिर अस्पताल पहुंचा दिया, वहां ड्रिप्स भी लगी उन बेचारों को। वो क्या चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा आपसे बात करना चाहते हैं और क्या। हाँ और फिर इत्र और फूल भिजवाए, क्यों मोहब्बत करते हैं ना। लेकिन अगर आपने ऐसे ही एटीट्यूड दिखाना है उनको तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन मुझे लगता है आप तभी मानेंगी जब वो अपनी जान दे रही है। अल्लाह ना करे, क्या हो गया तुझे। वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, ऐसा आशिक मुझे मिलता ना तो मैं तो कभी तीसरी शादी नहीं करती। ओहो अगर उसको इतनी हेल्प चाहिए थी तो उसने फ्रेडी और रोहान को कॉल क्यों नहीं की। क्योंकि बुरे वक्त में साया भी साथ छोड़ जाता है सनम जी। क्यों ना रोहान हेल्प करेगा ना फ्रेडी हेल्प करेगा। लेकिन एक बात है, अगर तो वो आपके इश्क में अगर तो आपके इश्क में मर जाते हैं तो अल्लाह मियां को वो आपको दिखाना पड़ेगा। जो बात है, सुपरस्टार के सामने ना फैन इसी तरह तड़पते हैं, समझी। तड़पते क्यूट तो है वैसे ये। जा तू। उन्होंने हाँ बोला। यार मैं चाह रहा था डेट फिक्स होने से पहले कुछ बोल दे, कुछ कहती नहीं अभी भी। हाँ तो कब बोलेगी जी, क्या पता यार मैं नहीं जानता। भाई तो आज अपना सीन सेट करके आया है, वो भी फ्री में। तू और तेरे सीन, अपने से भी फीस लेगा, फ्री में ही करेगा ना। अरे भाई आज आपके लिए भी फ्री है, लूट ले मजे ले। क्या करेगा, लेट गो। कहाँ? अरे भाभी से हाँ बोलवाने। फ्री में? यस चले चल, लेट्स गो। मैं कभी जिंदगी में काम ना करता, लेकिन आज पहली बार तेरी आंखों में भाई के लिए प्यार देखा, वो भी फ्री। लव यू भाई, लव यू। इसी बात पे मुंह खोले चल हम जाएं। भाई वो कहते हैं ना, सच्चे प्यार को कोई नहीं रोक सकता। लगता है आपका प्यार सच्चा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अंकल कैसा मान लिया आपका, गुलाब का फूल ही लगाया गमले में। अब सही लग रहा है। ओके अंकल थैंक यू, बाय बाय। रुको यहीं पर, और तुम हिलना भी नहीं वहां से। ये क्या हरकतें लगा के रखी हुई तुमने, मम्मी और दानिया को ऐसी हरकतें करके तंग करते रही हो तुम, और तुम यहाँ एसआरके बन के आते रहे। तुम्हें बेटा ऐसी घटिया एडवाइस कौन देता है। तुम क्या बन के आते रहे मेरे घर पे। मैं मशवरे देता हूँ। तुम्हारे बाप ने मुझे वार्न किया था कि छोटा वाला बड़ा शरारती है। आज रात को तुम्हारे पेरेंट्स आ रहे हैं मेरे पास। बॉयज यू वॉन्ट मी टू टेल देम? नो। ये हरकत फिर नहीं होगी। नो नो। अभी क्लियर? Yes. और तुमने झूठी, यही रुको हिलना मत। हेलो हाँ भाई जान। जी 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 तुम सीढ़ी लगा के क्या पे तुम फिर से आ गए। हाँ वो मैं तुमसे कहना है था कि मॉम और डैड फॉरन हमारी शादी कराना चाहते हैं। तो तुम कुछ बोलती क्यों नहीं, तुम्हारे दिल में क्या है, बोलो ना। क्या बोलूं? क्या बोले? आई लव यू। हाँ वो तुम मुझे बताओ कि तुम ये शादी अंकल एहसान की वजह से कर रही हो या मेरी वजह से। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें क्या बोला था, आराम से जाओ, रात को आओ अपने अम्मा अब्बा के साथ, सब पता चल जाएगा। भाई चलो चलो काम हो गया। थैंक यू भाभी। Thank you.
ये क्या संडे बाजार लगाया हुआ है? आप ही रात को एहसान अंकल के घर डिनर पे जा रहा है तो मैं सोचा था मैं से क्या पहनूं। इन सदियों पुराने कपड़ों को पहनने से बेहतर तो मेरी फ्रॉक पहन के चले जा। लेकिन एक सेकंड, आज तो दानिया की शादी की डेट फिक्स हो रही है ना, तुम्हें तो काले कपड़े पहनने चाहिए। ओ यस ब्लैक, मेरे पास ब्लैक शर्ट है, मैं वो पहन लेता हूं, आप जाके तैयार हो जाओ। नहीं भाई तौबा, हरगिज नहीं, मैं नहीं जाऊंगी वहां पे। और एक सेकंड, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ कपड़े हैं जो मैं तुम्हें बर्थडे पे दिए थे, वो तो तुमने इतने टाइम से पहने ही नहीं, वो मैं ला रही हूँ। ये देखो, इनमें से तुम कुछ पहनोगे? एक सेकंड, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम वहां क्यों जा रहे हो? तुम्हें तो जाना ही नहीं चाहिए। आप ही क्या पता आज मेरी किस्मत बदल जाए। मतलब? इसलिए तो मैं कह रहा हूँ मेरे साथ चले। नहीं, वहां पे वो भी होगा। कौन? मामा जी? मामा जी कौन है? चुगताई को सब मामा जी कहते हैं। हाँ, आप ही, आप उनसे कब तक छुपेंगे? कराची में और भी बहुत सी मार्केट्स हैं, मैं आपको वहां लेके चलता हूँ। और वैसे भी जब तक मैं आपके साथ हूँ, आपको डरने या छुपने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वाह भाई, माय ब्रदर इज बैक इन फॉर्म, गुड। अच्छा, इनमें से मैं ये या फिर ये, बस और कुछ नहीं पहनूंगा। हाँ तो इनमें से कोई पहन लो। आप चल रही है ना? रोहन, अपना परफ्यूम लाओ यार, बल्कि मेरा परफ्यूम, क्योंकि वो मेरे पैसों का है, जल्दी लाओ। कहाँ पे थे यार? कटले कटले, ये क्या हो रहा है? बेटे की तारीख पक्की करने जा रहे हैं तो इतनी खुशी तो बनती है ना। अच्छे तरीके से जानती हूँ किस चीज की खुशी हो रही है आपको, रहने ही दे। अच्छा मम्मी डैड कहाँ गए थे? मामा क्या हो गया? डैड ने तो भेजा था फ्रूट्स और फूल लेने के लिए। ले आए? जी जी, वो मामा जी और फ्रुहान तैयार हो गए। ये होगा ना तैयार दोनों के लिए, चुपताई नहीं जाएगा। वो क्यों? क्योंकि एक वक्त पे एक ही पे नजर रखी जा सकती है। तुम चुपताई पे नजर रखोगे और मैं इन पे। और वैसे भी तुम लोगों के सामने कोई सीरियस बात तो की नहीं जा सकती। और आप सुन ले, आज मैं एहसान भाई से दो टोक बात करने वाली हूँ और आप बीच में नहीं बोलेंगे। मामा आप मुझे साथ ले जाए और रोहान भाई को मामा जी के पास छोड़ दे। क्यों? वो डिफेंस की ना सारी सड़कें उखाड़ी हुई है, गाड़ी उछल उछल के चल रही होती है और ऊपर से मोबाइल स्नैचर साथ साथ चल रहे होते हैं। बिल्कुल फ्रेडी, he has a point, बिल्कुल ठीक कह रहा है। और वैसे भी तुम्हारे भाई के चक्कर में मेरे दोनों बेटे क्यों नहीं जाए? चलो गेट रेडी, रोहान को भी बोलो तैयार हो जाए, ठीक है? नॉनसेंस। व्हाट नॉनसेंस भाई, क्या तारीख पक्की करने जा रहे हैं, बेटों को साथ चलना चाहिए। नजर कौन रखेगा? मैं भी जाऊंगा, कपड़े चेंज करके आऊं। पड़े रहे यहाँ पे आराम से। आपने पहले ही मम्मा को कहा था कि यहाँ से आपका जनाजा ही निकलेगा, जनाजा। तो मैं नहीं लगेंगे उनको आपका काम तमाम करने में। बहुत ही खराब मूड में थी। लेकिन फ्रेडी, मैं कैसे जिंदा रहूंगा उनको देखूंगा? हद हो गई मामा जी, उनको देखने की तो सजा भुगत रहे हैं आप। जानू क्या जानू, प्रीत करो तो जानू। मुकर्रर मुकर्रर, नहीं जाना मैंने, लेट जाए आप आराम से। फ्रेडी प्लीज यार, मामा जी लेट जाए। बात करता। अरे वाह, कितने अच्छे लग रहे हो तुम, और ये शर्ट तुम पे इतनी सूट कर रही है, वेरी नाइस। आप ही मुझे छोड़े, आप अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? मैं नहीं जाऊंगी वहां। आप चल रही हैं, मैं दानिया को कॉल करूं। चुगताई से जो मुझे कपड़े मिलते हैं ना, वो पूरे कराची में कहीं नहीं मिलते। आई कांट टेक दैट रिस्क। आप ही, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, हम दोनों मिलकर आपका ब्रांड लॉन्च करेंगे। आपको ये पुराने कपड़े रीडिजाइन करके बेचने की जरूरत नहीं है। अब चले, उठ के तैयार हुए, हमें लेट हो रहा है।
क्या है भाई, इतने भी अच्छे नहीं लग रहे। आ रही हूं मैं, तुम जाओ। कुछ खाया तुमने? आर यू ओके? जी जी आई एम परफेक्टली फाइन। आई एम सॉरी मां। बेटा मुझे अंदाजा था कि भाई साहब की बात मानकर मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती करती। रिश्ते अगर बोझ बन जाएं तो उन्हें निभाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। तुमने दानिश की खातिर अपना सब कुछ बदल दिया, मगर अफसोस वो नहीं बदला और ना ही बदल सकेगा। अब चाहे तो तुम खुद उससे बात कर लो या फिर मैं कर लूंगा। हेलो फ्रेडी। मोहन मोहन आर यू देयर? सब ठीक है ना? बहुत सैड हूँ, पता नहीं बहुत अजीब सा दिल हो रहा है। क्या हुआ मोहन, कुछ बोलो तो। भाई आज मैं डिनर पे नहीं जा सकूंगा। तो मत जा, मैं तेरी जरूरत भी नहीं। वो तो मुझे पता है, लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने काफ़ी ज़्यादा इसरार किया डिनर पे जाने के लिए। वो इसलिए था क्योंकि मुझे मामा की वाइफ समझ आ गई थी कि कुछ गड़बड़ है। मैंने कहा दोनों भाई जो है ना साथ संभाल लेंगे, लेकिन अब आपको अकेले संभालना होगा। मैं अकेले संभाल लूँगा, मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। मामा को बता दे। भाई मतलब आप चाहते हैं कि मामा मुझे सीधा सीधा जानों को सीध कर दें? मैं बता दूंगा। पक्का? लव यू भाई, लव यू। कोई लव यू शव यू नहीं। पैसे निकाल। क्या हुआ? सब सुन लिया था मैंने, और किसी ने मुझे कहा था कि बिजनेस इज बिजनेस, याद है ना? मैंने क्या कहा था? मेरा वक्त भी आएगा। चल निकाल दे। नहीं है। नहीं है। और उस दराज में इससे पहले आप मुझसे आके मेहमानों का ग्लास छीनती, मैं आपका रिफ्रेशिंग कर्शी जामे शीरी आपके कमरे में ले आई हूँ। हाँ तो ये मेरी फेवरेट ड्रिंक जो है, पी जाए। थैंक यू। आप ही अब जाए, मैं आता हूँ। अरे वाह, क्या हो गया, ऐसे घूर क्यों रही हो? पहचानने की कोशिश कर रही हूँ, आज ईद तो नहीं है? ईद तो कभी भी हो सकती हो। अल्लाह रहम करे मुझ पर और तुम पर भी। मांग के बगैर रहे हो, क्या बात है? शन्नो क्या कर रही हो? शन्नो नहीं, नाइस शर्ट साहब, वेरी नाइस शर्ट। थैंक यू। ये माह वाली बात तंस थी या ताना? सिंपल सा क्वेश्चन था बस। लेकिन जवाब इसका सिंपल नहीं है। चलो अंदर तो चलो तुम।
दानिया बीबी, सनम बीबी, जल्दी आइए, दोनों आइए, दोनों आइए, इधर आइए ना। कहाँ हो गया, इतनी उड़ती उड़ती कहाँ से आ रही है? दानिश भाई नीचे आए हुए। हाँ, ऐसा लग रहा है 3-4 दफा आज दिन में घिस घिस के मुंह धोया है, रंगीन कमीज पहनी हुई है। तो बाबा ने बोला होगा ना, बाबा का चेहरा इतने नहीं यूज़लेस खबर चला दिया। यूज़लेस नहीं, उनकी बहन भी आई है साथ में, नीचे मिलके खाना खाएंगे। एक्साइटमेंट ही नहीं है बेटा। मुझे तो एक और बात भी पता है। क्या? मुझे पता है तुम लोगों ने झूठी मंगनी का ढोंग रचाया है, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मुझे पता है मेरी बेटी तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। ये रोहान और उसके भाई की हरकतें, वो लंबे बालों वाला बड़ा शरारती है। आज रिजवान को आने दो, ये बात तो मैं जरूर बताऊंगा उसे। ये लड़के सुधरने नहीं वाले बिल्कुल। चले ना, मैं आ रही। वो चीची नहीं आया? कैसी है शना जी? ठीक। वो शना जी काले कपड़ों वाली कौन? वही तो है दानिश की बहन मुमताज। अच्छा, यही दिन के 10 बच्चे हैं। पागल हो गया क्या? उनकी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। सही कह रहे हो। वैसे ये बताओ कि क्या तुमने ऑस्ट्रेलिया में कारोबार बंद कर दिया? ऐसी बातें कर रहे हो तुम? तो मम्मी की वजह से और मेरी तबीयत खराब थी, सर्जरी की वजह से मैं जा नहीं सका। अभी सीजन शुरू हो जाएगा, ईद भी आने वाली है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फिर से शुरू हो जाएगी फिल्मों की। यार मुझे भी साथ ले जाओ यार, कुछ दिन मैं भी कुछ सुख की सांस ले लूं। या मुझे तो हर वक्त एक नए महास का सामना करना पड़ता है, अभी अपने भाई की शादी के चक्कर में लगी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सब? खैरियत? कैसी हैं? ठीक ठाक। कैसे हैं रिजवान? ठीक है, अच्छे लग रहे हैं। बैठे बैठे जी। जान, वो काले कपड़ों में एक लड़की थी, वो कौन है? हाँ, वो दानिश की बहन मुमताज है। शादी हो गई? नहीं, मेरे ख्याल नहीं हुई। मिलवाएंगे मुझसे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। मुमताज, मुमताज आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आओ बेटे बैठो। कैसे मालूम है? भाई ये रूहान की मम्मी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटे? मैं रूहान का फादर हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। और बड़ी टैलेंटेड बच्ची है ये, कमाल की फैशन डिजाइनर है। दैट्स ग्रेट, फिर तो हमारी मुश्किल आसान हो गई। मैं और दानिया शादी के कपड़ों के लिए तुम्हारे पास आ जाएंगे। फॉर श्योर, फॉर श्योर, प्लीज आइएगा। अच्छा, अब तुम दोनों यहीं बैठे रहोगे, शादी की तारीख तुम दोनों तय करोगे? चलो दोनों हवा खा के आओ थोड़ी सी। नहीं नहीं, एक बुरी बात है, ऐसे चुप चुप के नहीं मिल सकते। हाँ, मैं जो अंदर इशारे कर रही थी, आंख से देख रही थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। कौन से इशारे? जो मैं आंख से सुबह बार बार ऐसे ऐसे कर रही थी बाबा के सामने। अजीब अजीब इशारे हैं, मुझे कैसे समझ आएगी? लेकिन अब मैं ठीक हूँ, और आपको तो पता है दानिया मेरी इकलौती बेटी है, तो मैं चाह रहा था कि मैं चाहती हूँ कि बस मेरी बहू अब आके घर संभाल ले, है ना, काम कर करके थक गई हूँ। बाहर के मुल्कों में घर संभालना भी एक बहुत मुश्किल काम है। हमारे यहाँ की बच्चियाँ, खासतौर पर दानिया, मुलाज़मों के बगैर कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती घर संभालने का। उसे तो आदत ही नहीं है किचन में जाने की। नहीं नहीं, खुदा ना खास्ता हम दानिया को कुछ कोई मुलाज़म बनाकर थोड़े ले जा रहे हैं, अपनी बेटी बनाकर ले जा रहे हैं। आप क्या बात कर रहे? अब क्या होगा दानिया? जी क्या पूछ रहे हो, अब क्या होगा?
जाओ अपने घर वालों के सामने एसआर के बनो, संभालो जाके सिचुएशन को। वैसे बीजान ये हकीकत है कि बेटियां और बहुएं ही घर संभालती हैं। जचता भी है भाई, मेरी बच्ची तो घर पे राज करेगी, सारा घर संभालेगी और फिर मैं और रिजवान तो हज पे चले जाएंगे और हमें कनाडा में प्रॉपर्टी भी खरीदनी है, कोई एक डेढ़ महीना तो हमें वहाँ लग जाएगा। भाई बहुत बहुत मुबारक हो, भाज मुबारक हो। और हाँ, घर संभालना तो खैर अच्छी बात है, लेकिन मुझे तो लगता है कि मियाँ बीवी दोनों को मिलकर घर संभालना चाहिए। भाई जब लड़कियाँ बाहर काम करती हैं तो लड़कों को भी घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए। वैसे मैं बड़ी इंप्रेस्ड हूँ, आजकल के लड़के बहुत अच्छे हैं, मिल के अपने घर का काम अपनी बीवी के साथ करते हैं। और हमारी दानिया को तो वैसे भी बहुत काम होते हैं, फिल्में बनाना, बाहर के काम करना। आपके कहने का ये मतलब है कि शादी के बाद वो फिल्में बनाएगी? शादी से पहले भी फिल्म्स बनाएगी भाभी और शादी के बाद भी बनाएगी। लेकिन हमारे घर की खवातीन ये काम नहीं करती। भाभी हमारे घर की खवातीन हर काम करती हैं। मम्मी मेरे ख्याल में हमें इसको डिस्कस करना चाहिए, हमें शादी थोड़ी पोस्टपोन कर देनी चाहिए, अब थोड़ा हम इस बारे में सोच लेते हैं। मेरे ख्याल में खाना लग गया है, आप भाभी आएं जरा। मुझे इस फिल्मी खानदान से वैसे यही उम्मीद थी। हमारे यहाँ जब लड़की की मंगनी हो जाती है तो वो लड़के की अमानत हो जाती है और लड़का जब चाहे उसे लेकर जा सकता है। ये कैसी बातें कर रही हो तुम सवेरा? तुम तो अच्छी तरह जानती हो हमारा फिल्म ओरिएंटेड बिजनेस है, हमारी फैमिली का। ये जानती थी कि ये फैमिली बिजनेस है आपका, ये नहीं जानती थी कि इस घर की खवातीन फिल्मों में आती हैं। बातें कर रहे हो? कुरकुरो हीरे होते मखनो बहुत सारे सोने हो। डिनर की सर्विंग हो गई है, आए ना। है? चल गया। I have no idea I'm with you, my beloved. मैंने कुछ किए? ये हंसा, इस पुतले के होंठ हिले मैंने खुद देखा है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है अंदर और तुम उसकी हंसने की पड़ी है। कितने में? अभी बेल बजाई तो अंकल माइंड ना कर जाए, कॉल कर दे। उठाओ हम। पता नहीं क्या गड़बड़ हुई है, बेल बजाना तो इस वक्त खतरा है भाई। एक और ट्राई मार। ये जो तुमने हरकत की है इस पे दाद दूं तुम्हें? दाद तो आप अपने फिल्मी दोस्त और उनकी अदाकारा वालिदा को दीजिए। मतलब क्या, बेटी शादी से पहले भी फिल्में बनाएगी, शादी के बाद भी फिल्में बनाएगी, लाइक रियली वाओ। तो इसमें से कौन सी नई बात कह दी उन्होंने? ये तुम्हें सब कुछ पहले ही से मालूम था कि कौन लोग हैं, क्या काम करते हैं, कुछ भी नहीं छुपाया हुआ था। और कुछ कहने से पहले कम अज कम ये तो ख्याल कर लेती कि इतनी पुरानी दोस्ती है हमारी। हमारी नहीं, आपकी। और अब तक आप ही की दोस्ती का लिहाज कर रही थी। इनाफ। या चिक चिक बंद करो अपनी। मामा जी वो अभी तक आए नहीं? फिर मुझे क्या पता यार, मुझे कौन सा साथ लेके गए? वैसे
आपा उधर आग लगा के आएंगे, ये यहाँ आके लगाएंगे। दोनों सूरतों में आप और भाई नहीं बचने वाले। लो आगे जाओ, जाके देखो, मैंने आपस से बात ही नहीं करनी। हाँ भाई, फिर कौन सी डेट फाइनल हुई है? तुम्हारे किए का खमियाजा मैं ही भुगतूंगा। एहसान भाई से माफी मांगूंगा मैं। कोई जरूरत नहीं है किसी से माफी मांगने की, और ना ही गुंजाइश है इस बात की। मेरी तरफ से ये बात खत्म हो चुकी है। ना उस घर से इस घर में कोई आएगा, और ना हमारे घर से उनके घर में कोई कदम रखेगा। बस मामा जी, तानिया सो गई? दो बारी नाक कीता, दरवाजा नहीं खोला उसने। फिर मैं ट्राई करूंगी, लेकिन मैं कहती हूँ कि उसको थोड़ा रहने दे, सुकून से आराम से बाद में बात कर लूंगी उससे। मैंने तो कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि सवेरा भाभी इतनी बद अखलाकी करेंगी। मैं तो शॉक में आ गई। मुझे तो बोलने का मौका ही नहीं मिला एहसान साहब, वरना उसकी तेजी उसके हाथ में पकड़ाती मैं। ये सिचुएशन बन गई है, मुझे जाना था और ये सब कुछ हो गया। तुम कहाँ जा रहे? मैं वही फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऑस्ट्रेलिया, कुछ दिनों के लिए। चाहती हूँ कि बस मेरी बहू अब आके घर संभाल ले। मैं ना काम कर करके थक गई हूँ। हमारे यहाँ की बच्चियाँ, खासतौर पे दानिया, मुलाजमों के बगैर कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती घर संभालने का। उसे तो आदत ही नहीं है किचन में जाने की। और हमारी दानिया को तो वैसे भी बहुत काम होते हैं, फिल्में बनाना, बाहर के काम करना। आपके कहने का ये मतलब है कि शादी के बाद वो फिल्में बनाएगी? शादी से पहले भी फिल्में बनाएगी भाभी, और शादी के बाद भी बनाएगी। लेकिन हमारे घर की खवातीन ये काम नहीं करती। भाभी, हमारे घर की खवातीन हर काम करती हैं। मम्मी, मेरे ख्याल में हमें इसको डिस्कस करना चाहिए, हमें ये शादी थोड़ी पोस्टपोन कर देनी चाहिए। कबली आज क्यों रहा था? कोई तो गड़बड़ है।